दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ स्टेप की एडिटिंग जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली ये वाला एडिटिंग हम स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर करी है, तो आप वीडियो बने रहिए, वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा सेटिंग बताया, जैसे कि मैंने अपने टी शर्ट के कलर को कैसे चेंज किया है, साथ ही साथ अपने बैकग्राउंड को मैं कैसे चेंज किया हूं। तो फ्रेंड्स फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं आरकेपीएस फोटो एडिटिंग। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल से आपको अपने स्नैपशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने फैजू भाई का फोटो जो है ऐड किया था। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे। सिंपली ऐड करने के बाद मेरा फोटो जो है इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टोन इमेज पे क्लिक करना है और ऊपर आपको इस तरह स्वाइप अप करते हुए जाना है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, एम्बिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना अपने फोटो के अकॉर्डिंग। आपको अपने फोटो में अगर यहाँ पे शैडो नहीं हो तो आप शैडो यहाँ से दे सकते हो। तो इस तरह से हम कर लेंगे। उसको सिंपली आपको यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, घटा लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल था उसमें। तो इस तरह से हम कर लेंगे। देन उसके बाद आपको फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा राइट साइड में, तो यहाँ पे क्लिक करके अपने फोटो को ब्लैक एंड वाइट कर लेना है और यहाँ पे डार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताकि आपका फोटो जो है बिल्कुल डार्क लगे। इस तरह से राइट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इरेज करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऊपर ऊपर जो ऑप्शन उस पर क्लिक करना है, उसके बाद व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, देन उसके बाद ब्लैक एंड वाइट के एरो पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आइज़ का जो सिंबल दिखा रहा है इसको ये क्या करेंगे, अनटिक कर देंगे और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टिक कर लेंगे ताकि हमें इरेज करने में आसानी हो। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो देखो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, जो यहाँ पे पूरा जीरो होना चाहिए तब आपका जो है यहाँ से इरेज होगा। तो इस तरह से हम इरेज कर लेंगे। सिंपली आपको ऐसे ही इरेज करना है। इरेज करते करते क्या होता है कभी कभार कि बाहर का हिस्सा भी इस तरह इरेज हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से फिर हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। देन उसके बाद फिर से हम इसको जीरो करके यहाँ से हम इरेज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, आप वीडियो बने रहिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसको फटाफट से इरेज कर लिया, उसके बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ पे राइट कर लेना है और यहाँ पे एरो से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, अपने शॉट के कलर को चेंज करना है, तो फिर से आपको टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और नीचे आपको यहाँ पे डबल एक्सपोजर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करना होगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको चले जाना है सबसे लास्ट में, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका आपके फोटो में ये मैच हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद फिर से आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने पिछली बार किया था। तो यहाँ पे व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर के एरो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करेंगे, ऐसे आपको कर लेना है और अपने शॉट पर पेंट करना है, जहाँ जहाँ भी आपका शॉट है ऐसे आप जूम करके इस तरह से यहाँ पर पहले आप 100 कर लेना, यहाँ पर इसको 100 करके इस तरह से आप अपने शॉट पर पेंट करोगे तो आपके शॉट का जो कलर होगा सिंपली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा बनाने में मेहनत लगेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, लेकिन फोटो बहुत ही बढ़िया बन के आएगी। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने फाइनली कर लिया पेंट, उसके बाद यहाँ पे राइट कर लेना है। राइट करने के बाद फिर से आपको बैक आ जाना है और अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड करना होगा, तो फिर से आपको टूल वाले ऑप्शन पे जाना है। टूल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है और अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इस तरह से मैंने अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया।
ऐड करने के बाद फिर से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सबसे लास्ट जो यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर राइट कर लेना है। राइट करने के बाद फिर से आपको ऊपर एरो का ऑप्शन आ रहा है, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, फिर से व्यू एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे और अपने ऑब्जेक्ट जो अपना फोटो है इससे हम इसको इरेज करने वाले हैं, तो जहाँ जहाँ भी मेरे को ये नहीं चाहिए वहाँ पर हम इसको इस तरह से जीरो कर लेंगे, यहाँ से जीरो कर लेंगे और फटाफट से मैं इस तरह से इरेज कर लूँगा। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर ले रहा हूँ फिर से, तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है कि इरेज कर लेना है, तो आपका फ़ोटो क्लियर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैंने ऐड कर लिया, लेकिन नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इरेज हो चुका है, तो फिर से हम यहाँ पे 100 कर लेंगे, 100 करके फिर से हम इस तरह जूम करके यहाँ पे हम रिकवर कर लेंगे ताकि मेरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे भी आ जाए और फोटो मेरा बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो इस तरह से मैंने इसको फटाफट से रिकवर कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पे राइट कर लेना है, राइट करने के बाद आपको बैक आ जाना है और मेरे फेस पे थोड़ा सा यहाँ पे डार्क दिख रहा है, इसको मैं वाइट करने वाला हूँ। तो फिर से आपको टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सेलेक्टिव टूल का यूज़ कर लेना है और जहाँ जहाँ भी आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना वहाँ पर आपको ले जाना है, इस तरह से इसको लेकर छोड़ देना है और अपने दोनों उंगली से इस तरह इसको छोटा कर लेना है और इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। फिर से आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जहाँ जहाँ भी आपको यहाँ पर वाइट नहीं दिख रहा है उसको आप इस तरह से वाइट कर लेंगे, ऐड कर करके ऐसे आपको वाइट कर लेना है जिससे आपका फोटो और ज़्यादा वाइट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया देखने में लगेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा जो फोटो है बन चुका है, अब हम इसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका फोटो हो जाएगा सेव। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।